पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही है पुलिस भर्ती। आईआरबी बैलपड़ाव में पुलिस भर्ती के लिए पहुंच रहे युवा। कालाडूंगी के बैलपड़ाव में स्थित इंडिया रिजर्व बटालियन आईआरबी में 15 मई से पुलिस भर्ती की कार्रवाई चल रही है, जिसमें पुलिस भर्ती के इच्छुक दर्जनों युवा प्रतिदिन प्रतिभाग करने पहुँच रहे हैं। आईआरबी कमांडेंट आईपीएस सुखवीर सिंह के देखरेख में पुलिस भर्ती की कार्रवाई संपन्न हो रही है। यहां पहुंच रहे युवाओं को दौड़, बिम, थ्रो बॉल, डिप्स, लॉन्ग जंप आदि प्रशिक्षण में परखा जा रहा है। वहीं आईआरबी कमांडेंट आईपीएस सुखवीर सिंह ने बताया कि पुलिस भर्ती में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ युवा सोशल मीडिया पर पुलिस भर्ती की कार्रवाई में अनियमितताओं का आरोप लगा रहे हैं, जो सरासर गलत है, जबकि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही बरती नहीं जा रही। उन्होंने कहा, निगरानी टीम और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में भर्ती प्रक्रिया संचालित की जा रही है। भर्ती के दौरान एम्बुलेंस और चिकित्सक टीम हर समय उपलब्ध है। यह भर्ती 27 जून को तक आयोजित होगी। जो युवा किसी कारण वंचित रह गए, उनको बाद 2 दिन का समय मिलेगा। भर्ती का कार्यक्रम हमारे यहाँ 15 मई से शुरू हुआ था, 15 मई से और 27 जून तक हमारे यहाँ है। आयोग का आदेश है 400 कैंडिडेट्स पर डे का है, लेकिन 400 कैंडिडेट कहीं नहीं पहुँच रहे हैं, लगभग 250 कैंडिडेट पर डे आ रहे हैं। उनका हम लोग फॉर्म चेक करते हैं, फॉर्म चेक करने के बाद उनका एग्ज़ाम मेजरमेंट करते हैं, फिजिकल मेजरमेंट, और उसके बाद जो आइटम है लॉन्ग जंप, क्रिकेट बॉल थ्रो, चीनिंग अप, दंड बैठक और लास्ट में दौड़ का उनका एग्ज़ाम होता है, ये हम लोग ले रहे हैं। और जिससे कोई लड़का कोई किसी को घायल ना हो जाए किसी, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल है। और इसमें अभी 2-3 कमेंट्स मुझे कल पता लगा कि एडवर्स कमेंट भर्ती को लेके कुछ लोगों ने डाले हैं। जैसे एक चल रहा है कि हम आर्मी में हम फिट थे लेकिन पुलिस में हम फेल हो गए मेजरमेंट में, हाइट में अंडर हाइट हो गए। तो हम जो यहाँ मेजरमेंट कर रहे हैं, जो आयोग से हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि किस कैटेगरी में कितनी हाइट होनी चाहिए मिनिमम, उसको मान्य करके ही हम उसका आगे उसको पास हो पाता है। वो अगर आर्मी में हो सकता कुछ कम उसकी हाइट पर कंसिडर किया हो गया हो, और या किसी क्षेत्र विशेष के लिए जैसे कुमाऊं क्षेत्र का हो तो उसमें हिल का उसको बेनिफिट मिला हो। तो यहाँ तो जो जिस जो क्राइटेरिया आयोग ने निर्धारित किया है उसके हिसाब से ही हम उसका वो लेंगे। तो इस तरह का जो अगर कोई दुष्प्रचार करता है तो वो उचित नहीं है, जबकि हम यहाँ पूरा प्रक्रिया को पारदर्शी बना के बैठे हैं। यहाँ पूरी बटालियन में कैमरे लगे हैं, हम इस प्रक्रिया को पूरा पारदर्शी बनाए हुए हैं, भेदभाव नहीं हो रहा है, हर एक बच्चे को समान अवसर दिया जा रहा है। अगर वो अंडर हाइट है या अंडर चेस्ट है तो अंडर चेस्ट, क्या वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट से सर्टिफिकेट बना ले, उसका कोई महत्व नहीं है।